आइए एक बार फिर से वक्त हो चुका है कुछ लोगों को सम्मानित करने का जो अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से एक मुकाम तक पहुंचे हैं। और आज इस शाम में आप सभी के बीच में हमारे यही कीर्तिमान उन्हें सम्मानित करेंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि जिस पल उनके नाम लिए जाएं तालियां बजाकर उनकी खुशियों में शामिल हों। तो आइए बात कर रहे हैं हम टोपाज रिकग्निशन की, जिसमें पहला नाम मैं लेना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेस विजय कुमार। और इसी के साथ अगले लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ मिस्टर एंड मिसेस एस के व्यास। और गुजारिश है कि शोर मचाते रहें। थैंक यू टीचर। नेक्स्ट वी गोना कॉल अपॉन मिस्टर एंड मिसेस एस एन पांडे। थैंक यू टीचर। नेक्स्ट वी गोना कॉल अपॉन मिस्टर एंड मिसेस मनोज भिष्ट। अगला नाम आप सभी के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी सुशील कुमार। थैंक यू डीजे। नेक्स्ट वी गोना कॉल अपॉन अनिल चतुर्वेदी। वेल आई बिलीव दैट्स इनमें से एक आई गेस कोई मिसिंग है। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे लीडर्स मर्करी लीडर रविंद्र कुमार, वीनस लीडर अशोक कुमार जी, ट्रिपल डायमंड लीडर राम गोपाल जी, महिपाल सर, डायमंड लीडर वीके शर्मा एंड नीरज चौधरी। दौड़ है जिंदगी एक दौड़ है, दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको। जिंदगी एक दौड़ है, दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको। दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको। सांस जब झलक चलेगी चलते ही रहना, वक्त का हर एक वार हंस के तू सहना। हो सांस जब झलक चलेगी चलते ही रहना, वक्त का हर एक वार हंस के तू सहना। जंग है ये जिंदगी, कह रही है ये जमीन, छू ले तू आसमां को। दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको। दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको। Hey, 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 hey
सीने में भर ले तू हिम्मत की सांसें, रोक ना सकेंगे तुझको राहों के कांटे। हो सीने में भर ले तू हिम्मत की सांसें, रोक ना सकेंगे तुझको राहों के कांटे। सामने है मंजिले छोड़ नहीं हौसले, कर ले जवा हौसले को, दौड़ दौड़ के दौड़ जीतनी है तुझको, दौड़ दौड़ ये दौड़ जीतनी है तुझको। जिंदगी एक दौड़ है, दौड़ दौड़ ये दौड़ जीत। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, कम ऑन। और अब क्या आप इनके बुक से इनके जीवन शैली के बारे में जानना चाहेंगे? बस ये इतने लोग जानना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते? कौन कौन आना चाहते हैं? कमान एक बार फिर से तालियों का साथ देते हुए। वैसे मैं आपसे शुरुआत करूंगी, ओवर टू यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा पहले कह चुके हैं, समय का बहुत अभाव है, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। दोस्तों मेरा नाम विजय कुमार है और बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों इस सिस्टम को ज्वाइनिंग करने से पहले मैं प्राइवेट जॉब क्या करता था और आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। दोस्तों एक दिन मेरे अप्लाई मिस्टर राम गोपाल जी मेरे लिए अजनबी थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया। और हर पल पर परवीन जी, राम गोपाल जी, गौरव जी और महिपाल जी और रविंदर जी ने हर पल पर मेरा साथ दिया। ऐसे महान अपलाइन के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं इनके धन्यवाद में, इनके वेलकम में एक जोरदार तालियां। दोस्तों ये बिजनेस सिर्फ सोच बदलने का है। दोस्तों बचपन से हमारे दिल में एक ही सोच डाल दी जाती है, बेटा पढ़ो लिखो और बन जाओ नौकर। लेकिन ये बिजनेस इतना पावरफुल है दोस्तों, जो हमें बताता है, हमें शिक्षा देता है, सिस्टम इतना पावरफुल है, अपलाइन जोरदार है। और दोस्तों ये बिजनेस हमें शिक्षा देता है कि बेटा जहां आपकी पढ़ाई कितनी भी है, आप किस देश से किस जाति से बिलोंग करते हैं, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपके, आपके दोनों हाथ हैं या नहीं, आपके पैर हैं या नहीं। दोस्तों सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि इंसान बोल सकता हो, क्योंकि गुंडा इंसान ये बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन सोच में एक ही चीज डाल दी गई है, बेटा नौकरी कर लो नौकरी कर लो। लेकिन बिजनेस इतना पावरफुल है, सिर्फ एक ही चीज है, बेटा मालिक बन जाओ, मालिक बन जाओ, मालिक बन जाओ। तो क्या आज के बाद उसके मालिक बनने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? दोस्तों मैं भी वादा करता हूँ, 3 से 4 साल के बीच में जो शख्स भी सोहन में बैठा है वो यहाँ पर कंफर्म डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है। थैंक यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार, देहरादून नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है इसकर व्यास है। आज से 1 साल पहले मैंने विजय ज्वाइन किया, 1% विश्वास किया। उसके पहले मैं आर्मी में जॉब किया करता था। दोस्तों क्या बात करता हूँ, 14 साल जिसका राशन खाया है, वो जोश था, वो जुनून था, 14 साल वो कष्ट उठाया। क्या मुझे छोड़ना चाहिए? क्या मुझे छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति ये बोलता है नौकरी के लिए तरसता है, लेकिन ये इसके व्यास वो व्यास है जो मेरे अपनाई या बेटे हैं, इन लोगों की गाइडलाइन से, इन लोगों की एक मोटिवेशन से, इन लोगों की स्पीच से, 14 साल की सर्विस को, उन 14 साल की सर्विस को डिस्चार्ज करके आया हूँ, फुल टाइम लेके आया हूँ। दोस्तों जिक्र लग भी पा रहा हूँ दोस्तों, इन अप्लायर की पावर दोस्तों। थैंक यू। बताने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, टारगेट बहुत कुछ है मेरे, लेकिन सर की इतनी सुनने के बाद, सर की इतनी सुनने के बाद इतना चौथ आ चुका है, इतना चौथ आ चुका है आज के टाइम में कि 2016 का जो मेरा टारगेट का डायमंड बनने का, वो मैं 2015 मार्च में पूरा करने की कोशिश करूंगा और पूरा पक्का करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, ये मेरा वादा है दोस्तों। और देहरादून में डायमंड की कंपनीशन होगी तो इसके व्यास की होगी, इसके व्यास की होगी। थैंक यू दोस्तों।
देना था, लेकिन आर्मी की गवर्नमेंट जो मेरे सामने दिक्कत करके आई थी और आर्मी की गवर्नमेंट जो करते करते यहाँ पे 1% बिलीव किया, काम किया। दोस्तों आज यहाँ पे एक साल पहले आर्मी की गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फुल टाइम सिक्योर लाइफ कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। बचपन में सपने थे और बचपन में सपनों में यही बताया गया था, बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी लग जाओ। दोस्तों इसके अलावा कभी भी बचपन में यह नहीं बोला गया था कि बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा बिजनेसमैन बनना या एक बड़ा मालिक बनना, यही कहा गया था एक अच्छी नौकरी लगा। दोस्तों जब मैं 21 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गया था तो मैंने सोचा कि मेरे छाती के बटन खुल गए कि मेरा सपना साकार हो गया, क्योंकि दोस्तों बचपन से मेरे को यही सपने दिखाए गए थे। दोस्तों जब 10 साल नौकरी करने के बाद मैं एक टू व्हीलर बाइक तक नहीं ले पाया, कंडीशन मेरी ये, गवर्नमेंट जॉब आगे परिवार की जरूरत है और क्या करेगा आदमी। दोस्तों यहाँ पे आने से हर सपने साकार हुए, गोवा के टूर आए हुए, हवाई यात्रा हुई, आज ये इंसान 13 बार 22 ईयर का सफर कर चुका है। दोस्तों कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, 22 अक्टूबर को ये 22 अक्टूबर जो आ रहा है, यहां से 7.5 लाख रुपए की होंडा की अवेज गाड़ी ले रहा हूं। दोस्तों थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों 2000 कमिटमेंट के एक बात करता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, समय कम है, अपने शब्दों को विराम करने के साथ साथ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। महाभारत में भीष्म पितामह है, कितने लोग जानते हैं भीष्म पितामह है, इनके पिताश्री जो कि हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे। दोस्तों जबकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भीष्म पितामह होना चाहिए था, लेकिन भीष्म पितामह उनका नाम इसलिए पड़ा कि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म पितामह है ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पांडु के पुत्रों को राज दूंगा, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। दोस्तों आज ये मनोज भीष्म इस स्टेट में भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि 2015 का सूरज जब डूबेगा ये भीष्म डायमंड बन के दिखाएगा। नमस्कार देहरादून। दोस्तों मैं सचिन पांडे रहने वाला रांची का हूँ और मैं इतनी दूर से चल के यहाँ सुनने आया हूँ, ज्यादा कुछ आप लोगों को बता नहीं सकता, सुना नहीं सकता। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब करते हुए आज से लगभग 2 साल पहले मेरे टूटने पर संस्थान मिला, देखने के बाद शुरुआत किया था एक साइकिल से और आज इस बिजनेस की वजह से दोस्तों मारुति की स्विफ्ट डिजायर 8 लाख की गाड़ी मेंटेन करता हूं। दोस्तों बिजनेस की पावर है। दोस्तों हमारे साथ भी वही मुश्किलें आई जो आपके साथ आ रही होगी, आपको भी बिजनेस छोड़ के भागने का मन कर रहा होगा। मैं भी कई बार बिजनेस छोड़ने का डिसीजन ले चुका था, कई बार हारा हुआ महसूस कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि यहां से कुछ मैं पा सकता हूं। कई बार मैं बिजनेस छोड़ के भागने का इरादा बना लिया था, लेकिन मैंने एक गलती कर दिया था दोस्तों, और वो मेरी गलती यह थी कि मैंने अपना हाथ अपलाइन को पकड़ा दिया था। और दोस्तों मेरे अपलाइन में इतनी ताकत थी कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और खींचते हुए मुझे यहाँ तक लेके आए, और उस अपलाइन का दोस्तों आवर ग्रेट लीडर शिव कुमार जी, उनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं कई बार लड़खड़ाया, कई बार मुश्किलें आई, सर ने मुझे सही मार्गदर्शन दिया, एक और लीडर है जिन्होंने हमें सही मार्गदर्शन दिया जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, उनका नाम है डबल डायमंड मिस्टर महिपाल सिंह जी, जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों थैंक यू। शुरुआत में जो प्रॉब्लम आती थी दोस्तों, मैंने यहाँ से सबसे पहले लैपटॉप अचीव किया था, और दोस्तों मैं आपको बताऊं लैपटॉप में साइकिल पे लेके चलता था, बड़ा मुश्किल होता था, बहुत बुरा लगता था जब लोग बोलते थे यार लैपटॉप ले लिए कम से कम मोटरसाइकिल तो खरीद लो, लेकिन दोस्तों पैसे नहीं थे कि मोटरसाइकिल खरीद सकता था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन दोस्तों आज बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरा बेटा 5 साल का है और मैं 5 साल के बेटे को 8 लाख की गाड़ी में जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो दोस्तों स्कूल के गेट पे 2 लोग उसको रिसीव करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। दोस्तों ये सारी चीजें आपके साथ भी होने वाली है, बस अपने मजबूत अपलाइन को अपना हाथ पकड़िए और सिस्टम के साथ चलते रहिए,
कोई भी काम करके 8 लाख की गाड़ी खरीद सकता था, ये सुमत बिजनेस ने दिया है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड आई वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा अनिल कुमार चतुर्वेदी है, मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। कलकत्ता से इस बिजनेस का स्टार्ट किया था। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं लगता था, बहुत सारे उमंग थे, जोश थे, लेकिन जितने लोग हमारे रास्ते में आए सबने मना किया, सबने हमको बोला कि नहीं हो सकता है ऐसा काम, हमारे पिताजी ने करके छोड़ दिया, हमने करके छोड़ दिया, ये ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे घर वालों ने बोला, बाहर वालों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने आज तक बोलते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमने कभी उस चीज़ को सुना नहीं। सबसे पहले इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा विश्वास हुआ, मैंने महिपाल सर का डायमंड सेलिब्रेशन देखा था, उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है, कुछ भी कर लो मुझे इस स्टेज तक आना है, यही सोच करके मैंने उस सिस्टम में काम करना शुरू किया। जब लोग पीछे से उठाते थे लोगों को स्टेज तक ले आते थे, तो मैंने सोचा यही चीज़ मुझे पाना है, ऐसा सोच करके काम स्टार्ट किया। दोस्तों अगर सिस्टम की बात करूँ और अपलाइन की बात करूँ तो इतना पावर है दोस्तों कि आज तक मेरे खानदान में सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने से पहले किसी ने बाइक तक नहीं खरीदा था। हम लोग साइकिल से ही चलते थे, शायद हमारा एक सपना था कि बाइक हमारे पास हो पाएगी, लेकिन आने के 6 महीना बाद दोस्तों इस सिस्टम से महिपाल सर के सेलिब्रेशन में एक पल्सर 180cc बाइक अचीव किया। दोस्तों ये सिस्टम की पावर है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों एक लैपटॉप भी अचीव किया और आज इस सिस्टम की बदौलत लगभग 7.5 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ। दोस्तों ये सिस्टम की पावर है। दोस्तों एक तो अगर इस सिस्टम में सक्सेस होना है तो अपने अपलाइन को नहीं छोड़ना है, दूसरा एक बोलते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड आई वांट।